सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि गाइज आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि भाई अभी के अभी जो अपडेट आया है ना भाई, वो एकदम ज़बरदस्त अपडेट होने वाला है। हाँ गाइज, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया क्योंकि गाइज थोड़ी सी परेशानी चल रही थी और मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था कि अपडेट आया है। ठीक है, मैं भाई काफ़ी दिनों से गेम खेल ही नहीं रहा, जिस वजह से मैं पूरा तरीके से गेम पे फोकस नहीं रखा था। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि कैमरा एंगल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत सारे कैमरा एंगल्स दिए हैं। हम आपको बहुत सारे चीज़ में बताएंगे, डीपली में रिव्यू करेंगे। तो चलो गाइज शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो गाइज अगर आप अभी तक अपडेट नहीं किए हैं तो आप गेम को जब स्टार्ट करोगे, यानी कि जैसे ही गेम पर क्लिक करोगे उसके लोगो पर, तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे न्यू वर्जन अवेलेबल हो चुका है, आप यहाँ पे बस यस पे क्लिक करोगे, रीडायरेक्ट कर देगा आपको प्ले स्टोर पर। 201 MB का ये अपडेट है, मेरे फ़ोन में इतने का दिखा रहा था, फ़ोन के अकॉर्डिंग भी दिखाता है, किसी किसी में ज़्यादा किसी किसी में कम। तो गाइस आप इस तरह से कर सकते हो अपडेट, जैसे कि मेरा फाइनली अपडेट हो चुका है। चलो गाइस अपडेट के बाद कुछ इस तरह से कुछ पैक्स वगैरह होती है, पहले उसको डाउनलोड हो जाने दो। उसके बाद गाइस गेम जो है हमें 500 कॉइंस और 500 टिकट जो है ना वो रिवार्ड के रूप में देना चाहती है, क्योंकि हम इसे बहुत दिनों से खेल रहे हैं। ठीक है, तो भाई इतने सारे चीज़ हमें जो रिवार्ड दिए, पहले उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाइस कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी सी देखो, कलेक्ट करने में आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, तो भाई आप परेशान मत होना, वेट कर लेना। फाइनली हम देखो आप कलेक्ट कर चुके हैं, मेन आईडी है मेरी यहाँ पर, आप देख सकते हो 100 लेवल की। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हम देख दिखाते हैं आपको। तो गाइज इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस मतलब सीज़न भी चेंज हो चुका है। ठीक है गाइज, सीज़न भी एंड हो चुका है, बहुत लोगों को इंतज़ार था सीज़न का। और मेरा गाइज प्लेटिनम थे और हमारी भाई ब्रॉन्ज पे एकदम अलग लेवल की तबाही हो चुकी है, ब्रॉन्ज पे आ चुके हैं हम। अब गाइज यहाँ पे डेविड वार्नर कुछ प्लेयर्स आए हैं, तो भाई अच्छा लगे तो भाई कोशिश करो ना, कोई नहीं यार नॉर्मल प्लेयर से खेलो। अब गाइज यहाँ पे आके आप मॉड्स में हम आपको दिखाते हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि आपकी 100 लेवल या कितना भी हो, RC24 यानी कि रियल क्रिकेट जो IPL का 24 खेलना चाहते हो ना, तो भाई आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा रियल मनी, तब जाके आप इसको खेल पाओगे, अदरवाइज नहीं खेल सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख लेना, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था भाई, इस लेवल पे मैटर नहीं करता है, 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा रियल मनी। ठीक है, अब गाइस हम बात करते हैं कि वेयर एंड ड्रॉप, इसके ऊपर लेकर के बहुत सारे सवाल थे कि भाई इसकी बॉलिंग एक्शन चेंज हो गई है, चलो यहाँ पर हम वेरीफाई करते हैं। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया टीम के जान माने जाने वाले बॉलर वेरन रॉफ, मतलब RC24 में उनकी बॉलिंग एक्शन पूरे तरीके से चेंज कर दी गई है। और गाइस जब कैमरा एंगल की हम बात करें तो आप देख सकते हो बहुत सारे कैमरा एंगल्स दिए गए हैं, किसी पे आप क्लिक करके रिज्यूम करोगे उसी एंगल से आपको रिप्ले देखने को मिल सकता है। तो चलो गाइस यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं भाई, हम थोड़ी सी रनअप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक पे आप क्लिक करके देख लेना कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी अच्छा लगेगा, देखो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे वैसे ही मतलब क्लिक करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। देखो जैसे मैं रिज्यूम करूँगा उसी एंगल से आपको रिप्ले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये काफ़ी ना जब काफ़ी तक अच्छा हुआ है। हालाँकि जो मेन चीज़ थी ना यार कैरियर मोड, वो अभी तक नहीं आई है, उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। स्वेप्सन की बजाय एक बात बताना कि बॉलिंग एक्शन थोड़ी सी चेंज हुई है क्या, मुझे पता ना क्यों लग रहा है कि स्वेप्सन की बॉलिंग एक्शन हल्की सी चेंज हुई है। और गाइज अब हम आपको दिखाते हैं नॉर्जे के। ठीक है भाई, नॉर्जे बहुत लोग इनको नोकिया बोलते हैं, तो भाई वो भी आप नाम देख लो, इनकी बॉलिंग एक्शन बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी वैसे अभी। अब यहाँ पर हम देख सकते हो कि 4-4 स्टेडियम आए हुए हैं, कानपुर से लेके बहुत सारे, मतलब कि 4-4 स्टेडियम आए हुए हैं, चारों स्टेडियम में आप देख सकते हो यहाँ पर सामने आपके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई किस टाइप की स्टेडियम है, वो और कुछ लोग जो नए हैं उनको उनका ये सवाल होगा कि भाई हम इन स्टेडियम में कैसे खेल सकते हैं। तो आप टूर्नामेंट खेला करो, या फिर आपकी 100 लेवल की आईडी है तो भाई आप आराम से जाके टूर्नामेंट खेलवा करो, उसमें सारे के सारे आपको फ्री में मिल जाएंगे स्टेडियम्स। 4 स्टेडियम ऐड हुए हैं, आप एक एक करके देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लुक लग रहा है यार स्टेडियम की, एकदम लुक एकदम कूल लग रही है, मस्त लग रहा है स्टेडियम का लुक। तो गाइज इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो यार एक एक चीज़ को भाई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी पड़ी है। तो यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, लाइक और सब्सक्राइब कर देते हो ना भाई तो भाई लगता है कि यार चलो यार वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और भाई लाइक सब्सक्राइब से कोई दिक्कत भी नहीं होता है, तो वो तो कर दिया करो यार। आप देख सकते हो एक एक करके मैंने लगभग सारी स्टेडियम आपको दिखा दी है, अच्छी खासी स्टेडियम है, ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है, मीडियम स्टेडियम है। और देख सकते हो भाई क्या अलग लेवल की स्टेडियम लग रही है भाई, ऊपर पूरे तरीके से लाइटिंग लगाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बढ़िया जो इसकी है ना भाई, वो नीचे की जो पिचिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है भाई, ग्रीन पिच है भाई, सर्कल वगैरह सारे अवेलेबल है यहाँ पे,
देख सकते हो भाई अलग लेवल है भाई। सामने 70 मीटर की एक ग्राउंड है भाई इसकी। एक एक करके गाइज मैंने सब आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और भी काफ़ी चीज़ें आने वाली है वीडियो में बहुत जल्द।